सतगुरु को प्रणाम करो, दरो चरण में शीश, ममकार दशिद कीजिए, गुरु कर कृपा बख्शी। सतगुरु के दरबार में नर जाइए बारंबार, बोली बल तू बताए दे मारा सतगुरु में दातार। ए जी सतगुरु सरणा जाई रे राम भजी लेना, ओ हरी भजी लेना तेरा अवसर बीता, जाई रे देर नहीं करेना तेरा पल पल अवसर, जाई रे देर नहीं करेना। नर नारायण देखा मुश्किल मिलना, वो मुश्किल मिलना तेरा सत का करोर दी तारी असत को भरना, तेरा सत का करोर दी तारी असत को भरना। तम अभिमान कबूर नहीं करना, कबूर नहीं करना तेरा जो करता अभिमान को रात में पड़ना, भाई जो करता अभिमान को रात में पड़ना। सतगुरु सरणा जाई राम बजी लेना, हरी बजी लेना तेरा अवसर भी जा, जाई रे देर नहीं करना। तारा जातन लागे बारी साथ सुन गेना, तारा जातन लागे बारी साथ सुन गेना।
पिराता हो पारी गुरा कल वो सरना गुरा कल वो सरना कई सदर रे भोवा तीनी ध्यान हरि धरना कई सदर रे भोवा तीनी ध्यान हरि धरना सतगुरु सरना जाई राम भजी लेना हरि भज लेना तेरा अवसर बीता जाई रे देर धरी करना तेरा पल पल अवसर जाई रे राम भज लेना सुख राम अमर कबूरे नहीं मरना कबूरे नहीं मरना भाई ईश्वर सतम रूप रवे गुरु सरना भाई ईश्वर सतम रूप रवे गुरु सरना सतगुरु सरना जाई रे राम भजी लेना हरि भजी लेना तेरा अवसर बीता जाई रे देर घड़ी करना तेरा पल पल अवसर जाई रे देर घड़ी करना रे राम जी महाराज की जय हो जीण माता की जय हो। वो अपने शरीर मिलियो नहीं हो वो विचार करनो ये ईमानुष्ठन पायो हां वो शरीर मिलियो ने जो एक तो माँ बाप की कृपा है कोई देवता की कृपा वो शरीर कौन की कृपा मिलियो कौन की मेहरबानी मिलियो अपन वेदा में लिखी है कि राम जी की कृपा वे जरो मानुष तन मिले भगवान की कृपा वे नहीं जर मानुष तन मिले जर जीव अपन सत्संग करनी पड़े परमात्मा की परमात्मा को जेड़ो रूप बड़ा इने इस संसार में अपन भेज दिया जर कहवे नहीं गर्भवास में दुख पायो हरि से कीनी पुकार पल भर विसरू नहीं रे कोल वचन कीता ए परमात्मा तुमने नरकों बार काट दे मैं थारो भजन करूं थारो तो परमात्मा की कृपाओं है ना वो शरीर मिलेड़ो कोई देवता की बाकी कृपाओं नहीं है और माँ बाप के हाथ में वे बाल बच्चा पैदा करबो तो ये दुनिया बांधड़ो कोई रेव भी कुल सब सबके संतान वे पर क्यों राम जी की कृपा भी नहीं हुए दूसरी कृपा तीसरी दूसरी कृपा है माँ माँ की कृपा वे माँ के जजियावे ने तो बेटा ने संत बना देवे सूरवीर बना देवे सतवादी बना देवे ये संस्कार माँ को वेद में लिखी है मैं आप हमारी मनगणत की बात नहीं कहूं माँ के मतलब जी हाँ 16 संस्कार हुए मनुष्य के 16 संस्कार में पहलो संस्कार माँ का गर्भ में हुआ करे और अंतिम संस्कार हुआ करे वो आप लकड़ा कमाई दे रहा हूं जिम छह संस्कार माँ दिया करे जान समाज में भाई बंद की जान पहचान तारा पापा है बेटा ए तारा बड़ा पापा है ए थारो भाई है ऐसा सामाजिक ज्ञान देवे अब 45 साल के मायने माँ की कृपा थोड़ी कम है क्यों कई कई जगह बात तो घटना गलत तो बल आ गई वास्ते अब बाहर कहीं कई संस्कार है मोबाइल संस्कार टीवी संस्कार मैं आज और निवेदन करता हूं कि भाई कोई बहन बेटी बेंद नहीं गलत कोई नाटक नहीं देकर टीवी के मायने मोबाइल के मायने बच्चों पेट में उन समय आप तो सब ध्यान है महाभारत के मायने देखी मैं
सुभद्रा के अभिमन्यु ने पेट में हो और अर्जुन ने जो चक्रवीर की बात कहानी सुनाओ भी बड़बा की कहानी तो बस सुभद्रा बराबर सुनिए और निकलवाई कहानी नहीं सुन सकी बा क्यों भी नींद आएगी तो पूरी कहानी सुनते तो भी बेटो बेटो मरतो को नहीं अधूरी कहानी सुन बाऊ बटे भी की मरती होगी तो आप आपकी संस्कृति सुधारनी है तो आज बात है कि आप कोई रामायण देखो कोई भागवत को पाठ देखो कोई सूरवीरा की कहानियां सुनो गर्भवती औरत ने मतलब जी एक रामायण को पाठ आया कर आधा घंटा को रघुपति राघव राजा राम पतित पवन सीताराम गर्भवती औरता ने बी की पढ़ाई करनी पड़ी रामायण की शिवाजी महाराज की कहानी सुनी बेबी बाकी अभी रामायण का पाठ किया अब पेट में शिवाजी महाराज उस समय जो आज धर्म को झंडो ले रख दिया ये वास्ते अपने मान मर्यादा 15-20 साल में कम क्यों क्योंकि मामा है जी बच्चों पेट में बेटी थोड़ा टीवी चालू करिए थोड़ा नाटक देखा ले नाटक में तारी औलाद करवा लागे नाटक भाई ये वास्ते हर समाज के मायने सब बच्चों का संस्कार खत्म नहीं है कई कई ऐसा घर है कोई जो को साधु संत के घर है कोई बड़े शास्त्र ने जाने ही कोनी मां का संस्कार कम है। तीसरी कृपा गुरु महाराज के अगर अपनी बहु सागर पार कर देवे चौथी कृपा अंतकरण की अगर अपने मन की कृपा सत्संग में आया था को मन ठिकाना नहीं चीज ठिकाना नहीं नजर ठिकाना कौन जद फसे अटू लाभ थोड़े ले जा सके आप क्यों ने दान खरीदो बाजरी खरीद लियो चाहे मूंग खरीद लियो बंगो भाव नहीं आवे नहीं तो घाटो लागे तो सत्संग में कहवे के आवे वो आदमी भाव से ही ता जावे नहीं तो भी को बेड़ो पार है बोलो भगत और भगवान की।